हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं 2-3 दिन पहले आया एक अच्छी खासी ट्रिप करके, उसे हम राइड भी कह सकते हैं या फिर ट्रैवल भी कह सकते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया। हुआ कुछ ऐसे, मेरे जो दो खास दोस्त, एक प्रथमेश और वैभव, तो प्रथमेश की खुद की शादी थी और वैभव के बड़े भाई की शादी थी, तो मुझे दोनों इवेंट अटेंड करने थे। बीच में एक दिन का गैप था, तो मैंने क्या किया, मैं निकला सटाना से 6 तारीख को, मैं गया नासिक। नासिक में मैं दोपहर पहुंचा और रात के करीब 9 बजे मैंने विकी को कॉल कर दिया, तो विकी अपना बुलेट लेकर वहाँ पे आ गया। मैं 11:30 बजे तक वो उसके मेहंदी का इवेंट अटेंड किया प्रथमेश के, और 11:30 बजे मैं निकला नासिक से पनवेल जाने के लिए, लेकिन पहुँचते पहुँचते मुझे 2:30 बज गए, तो मैं वहाँ पर जाकर सीधा सो गया। और दूसरे दिन हम लोग जल्दी उठे और फिर मैं और वैभव, हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स किए, मतलब जैसे कि इवेंट पनवेल में नहीं था, डेस्टिनेशन वेडिंग के जैसा कुछ थीम था, तो हम लोगों को जाना था लोनावला के आगे, रिसोर्ट बुक किया था। तो हम लोगों ने क्या किया, बस के अरेंजमेंट्स, कुछ और जो चीज़ें लेकर जानी है उन सब के अरेंजमेंट्स किए, और फिर मैंने क्या किया, बस को आगे जाने दिया और मैं अपने बाइक पर अलीबाग की तरफ निकल गया। फिर वहाँ पर मैं आदेश से मिला, आदेश से भी मिलकर, बहुत आदेश भी मेरे साथ फर्स्ट ईयर में था, तो उसको मिलकर मुझे लगभग 2 साल के ऊपर हो गया था, तो मैं उसे मिला, उससे बातें की, ज़्यादा देर रुका नहीं और जल्दी से गया फिर मैं डेस्टिनेशन पे। फिर वहाँ पर मैं करीब 6 बजे पहुँचा पवना लेक के पास, तो वहाँ पर 6:30 से लेकर 12:30 तक हम लोग रुके, बहुत एंजॉय किया। फिर उस दिन मैं 12:30 बजे वापस बाइक लेकर निकला नासिक आने के लिए, मतलब पहले दिन भी मैं कंप्लीट बाइक पे था और इस रात भी मैं निकला, हिम्मत कर गए तो निकला तो सही, लेकिन नासिक वो मैं चाकन वाला रूट लिया वाया पुणे, तो मैं आया नासिक करीब 40 किलोमीटर बाकी था और सुबह के बज रहे थे 4:30 और मुझे आ रही थी बहुत ज़ोरों से नींद। तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी मस्त एक कोने में लगा दी मंदिर देख कर, और वहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए रुका, लेकिन मेरी आँखें ऐसी लगी कि 1.5 घंटे तक मुझे पता ही नहीं चला और मैं वहाँ पर सो गया। और फिर मैं 6 बजे उठा, लास्ट के 40 किलोमीटर बाकी थे, तो आराम से 7 बजे तक मैं नासिक पहुँचा, लेकिन यहाँ पर अपनी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। आके सीधा सो गया मैं, 7 से 9 बजे तक सोया, जल्दी से उठा और विकी को गाड़ी देने गया, विकी को गाड़ी देकर आया और आने के बाद फ्रेश हुआ और प्रथमेश की जो ट्रैवल्स रेडी थी तो उनमें बैठा, क्योंकि प्रथमेश की उस दिन हल्दी थी और हम लोगों को जाना था नासिक से जलगांव एरंडोल, मतलब पनवेल कंप्लीट अपोजिट साइड और एरंडोल कंप्लीट अपोजिट साइड और नासिक सेंटर। तो हम लोग बैठे ट्रैवल्स में, फिर हम लोग गए एरंडोल, लेकिन उन लोगों के बारे में मुझे पता नहीं था। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, अपनी हल्दी कितने बजे होती है, 6 बजे 7 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे, लेकिन उन लोगों की हल्दी रात को चालू होती है रात के 1:30 बजे के बाद, तो ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस किया, हल्दी हुई, उसके बाद दूसरे दिन शादी हुई, वो अटेंड करने के बाद मैं रात को निकला एरंडोल से सटाना आने के लिए उसी ट्रैवल्स में, लेकिन रात को ज़्यादा देर हो चुकी थी तो मैं सटाना नहीं आया, सीधा नासिक चला गया। मालेगांव में उतरना था लेकिन मालेगांव से सटाना कनेक्टिविटी मुझे पता नहीं थी, तो नासिक चला गया। दूसरे दिन सुबह उठा, जल्दी सटाना आया क्योंकि साइट पे अपना काम बाकी था, तो उस दिन साइट का काम पूरा कंप्लीट किया और वापस गया दूसरे दिन प्रथमेश का रिसेप्शन अटेंड करने के लिए। इस तरह से सब कंप्लीट करके अभी मैं आ गया वापस। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बाइक पर बैठा था। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं 1.5-2 साल पहले बैठा था बाइक पर इतना दूर ट्रैवल करने के लिए, मतलब मैं आया था, मैं और अली थे और हम लोग विकी की बाइक लेकर आ रहे थे पुणे से घर, लेकिन उस वक्त भी अली ने बाइक चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी, मतलब मैंने खुद बाइक चलाए हुए करीब करीब 2 साल के ऊपर हो गया था इतना दूर का ट्रैवल। लेकिन इस बार पूरा रिफ्रेशिंग हुआ और जब मैं नए नए इवेंट्स अटेंड कर रहा था, मतलब प्रथमेश का और वैभव के यहाँ का, तो दोनों का कल्चर अलग है, मतलब प्रथमेश ठाकुर और वैभव है वो कोकनी, तो कोकनी कल्चर में मुझे देखने को मिला, वहाँ के लोग मिलने और प्रथमेश के यहाँ पर अलग कल्चर, यहाँ के अलग लोग, तो नए नए कनेक्शंस बने, मज़ा बहुत आया और यादें बनी, तो और क्या चाहिए अपने को। और इस तरह से अपनी ट्रिप हुई यहाँ पर कंप्लीट।
एक्चुअली व्लॉग करने वाला था, लेकिन आवाज़ मेरा बैठा हुआ था कंप्लीट। मैं सर्दी के मौसम में राइड कर रहा था तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा था, इसलिए व्लॉग किया नहीं, लेकिन मज़े बहुत किए। तो अभी निकलते हैं साइट पर, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं।